हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माइकलैम के प्रोडक्ट्स। तो मैंने प्ले एंड विन में कम से कम 3 कूपन जीते थे जो 1500 रुपए के थे इसेंशियल मेकअप किट के। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस ऑलरेडी मुझे रिसीव हुए हैं और इन सब में मैंने क्या क्या मंगाया था और आप क्या क्या मंगा सकते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट आप मंगा सकते हो, ये भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगी। ये सारे प्रोडक्ट्स तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसका मैं रिव्यू भी दे दूंगी, सो दैट इट विल बी मोर इजी फॉर यू वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोडक्ट्स और नॉट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। And the very first product we are going to talk about is this Ultimate Long Stay Matte Lipstick. Now this lipstick stays up to 12 hours, transfer proof है ये, किस प्रूफ है ये, और बैक साइड में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। 1.3 ग्राम्स का प्रोडक्ट है। द शेड आई हैड पिक्ड इज डीवा, UM10 डीवा। इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड, इतना सुंदर शेड है ना ये, और बहुत ही अच्छा दिखेगा हर स्किन टाइप के लिए, फेयर टू मीडियम, मीडियम टू डस्की, सारे स्किन टोन पे ये बहुत सुंदर दिखेगा। दूसरा जो शेड मैंने पिक किया है वो है फॉक्सी। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउन शेड, बहुत सुंदर है। अगेन इट्स गोन अ सूट फॉर ऑल स्किन टाइम, फॉर फ्रॉम फेयर टू मीडियम एंड मीडियम टू डस्की, सारे ही इंडियन स्किन टोन पे ये बहुत सुंदर लगेगा, मुझे बहुत पसंद आया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो है ये केपले का ब्लश है। ये ब्लश बहुत ही अमेजिंग है। मैंने जो शेड पिक किया है वो है पीच। इट्स सच अ ब्यूटीफुल, सच अ लवली शेड। अगेन दिस इज गोन अ सूट for all skin type. I'm just going to take little bit on the brush and tap the excess. और आपको ना टैबिंग मोशन पे इसको अप्लाई करना, इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, मैंने थोड़ा ही लिया लेकिन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। यू नीड टू ब्लेंड इट प्रॉपरली, थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा आपको अगर आपने ज़्यादा पिक कर लिया है प्रोडक्ट तो। बट इट लुक सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर दिखेगा, आप डिफरेंस देख सकते हो चिक्स पे मेरे। आपको ये ब्लश मिरर के साथ मिल जाता है। MRP जो है 645 रुपीज़ का है और नेट ग्राम का जो प्रोडक्ट है वो 9 ग्राम्स है, विच आई थिंक इज़ प्रिटी गुड, काफ़ी अच्छा है। ब्लश तो मुझे बहुत पसंद आया, उसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, मतलब बहुत ही अच्छा स्मेल है इसका। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ब्लश टू एवरी वन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगेन ये केपले की तरफ से है, ये उनका हाइलाइटर है एंड आई विल जस्ट क्विकली ओपन इट। पैकेजिंग ब्लश की और हाइलाइटर की दोनों सेम ही है, इनर पैकेजिंग और आउटर पैकेजिंग दोनों सेम है। और जो मैंने शेड पिक किया है वो है, जो शेड मैंने पिक किया है वो है 01 राइप मेलन। अगेन 645 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है और 9 ग्राम्स की क्वांटिटी आपको मिल जाती है। ये गोल्डन हाइलाइटर है, इसमें दो ही शेड है, एक रोज़ गोल्ड और एक गोल्डन वाला। टू बी ऑनेस्ट मुझे हाइलाइटर जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। अगर आप हाइलाइटर लेना का सोच रहे हो तो मत लेना, आप उससे अच्छा पोज वाला लेना। केप ले का अगर आपको लेना है तो ब्लश में हाईली रिकमेंड करूँगी, लेकिन हाइलाइटर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है एक लिप बाम। द शेड आई हैड पिक्ड इज़ रोज ऑल डे और 345 रुपीज़ की MRP है इसकी। कलर जो है इसका बहुत ही सुंदर पिंक कलर है और स्मेल भी एग्जैक्ट रोज़ की तरह करता है और हल्का सा यू नो पिंक टिंट देता है। मैंने ये लिप बाम पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। बहुत ही अच्छा लिप बाम है ये, इट स्टेज फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम एज वेल और लिप्स को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। एंड या डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है नेल पेंट। दिस इज़ द टू ऑफ योर काइंड लॉन्ग लास्टिंग नेल पेंट, डियो नेल पेंट है और एक ही दाम में आपको दो नेल पेंट मिल जाते हैं। ओरिजिनल प्राइस है इसकी 295 रुपीज़ एंड बहुत ही अच्छा है। इसका उसका ऊपर का जो कैप है आप जैसे ही हटा दोगे ना तो ये दो नेल पेंट सेपरेट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड, अगर आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। अगेन ये डियो नेल पेंट ही मैंने लिया है और ये बहुत ही सुंदर कलर है, वाइन टेस्टिंग शेड का नाम है। ये काफ़ी ग्रीन कलर में है एंड दो शेड्स है, एक शेड लाइटर है एक शेड डार्कर है। ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आया एंड आई रियली लव दिस वन। अगर आप इनके जो नेल पेंट्स ट्राई करना चाहते हो तो ये डियो वाला ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छी शेड रेंज है इसमें। एंड वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।